A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the another important topic of chapter, principle of inheritance and valuation, and the topic is law of dominance and law of segregation, in which we have also discussing about the test cross. So start karte hain with the law of dominance. Law of dominance kya hai? Law of dominance is a dominance when is a dominance in which in F1 generation always character which is observed or which show ho raha hai, jo show ho raha hai character, these character are dominant character. So Mendel ne jab law of this law is given by the Mendel, and the jab Mendel ne experiment kiya, when he crossed in between one trait in both plants, in two plants, aur ek ko उन्होंने डोमिनेंट लिया एंड सेकेंड वन इज रिसेसिव करेक्टर. जब व्हेन ही क्रॉस्ड इन बिटवीन दीज टू प्लांट्स और हैव वन ट्रेड और विथ अपोजिट, जहाँ पे एक पेयर ऑफ ट्रेड इन्होंने लिया जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे, दैट इज हाइट लिया और कॉन्ट्रास्टिंग इनके करेक्टर क्या थे, वन इज टॉल और सेकेंड वन इज ड्वार्फ. जब व्हेन ही क्रॉस्ड इन बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ करेक्टर, ही ऑब्जर्व दैट इन F1 जनरेशन और इससे जो सीड्स बने और उन्हें जब ग्रो कराया, तो उन्होंने ये देखा कि देयर आर जितने भी प्लांट थे वो दीज ऑल दीज प्लांट्स आर टॉल इन हाइट. हाइट जो थी उनकी टॉल थी. व्हेन ही जब उन्होंने वहाँ पे सेल्फ क्रॉस होने दिया, तब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया वहाँ पे कि देर वहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा था, सेकेंड वन करेक्टर इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन द F2 जनरेशन. वेन ही क्रॉस्ड इन बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, उन्होंने क्या देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस में, हियर इज वेन ही क्रॉस्ड इन बिटवीन टॉल, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट. टॉल इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी एलील एंड स्मॉल ड्वार्फ इज डिनोटेड बाय small t एली. सो फॉर द टॉल करेक्टर, मतलब कि हाइट के लिए देर इज ओनली वन जीन एंड वन जीन पे जब वन जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय टू एली. सो इफ द प्लांट इज टॉल, ही टुक द उन्होंने क्या लिया, ही टुक द टॉल सिंबल और टी सिंबल, कैपिटल टी सिंबल फॉर द टॉल प्लांट एंड स्मॉल टी सिंबल फॉर द ड्वार्फ प्लांट. व्हेन ही क्रॉस इन बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, अब यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, द गैमेट फॉर्मेशन इन F1, दैट मीन्स पहला ये क्रॉस है, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, बिकॉज बोथ आर होमोजाइगस इन कंडीशन. यहाँ पे होमोजाइगस दैट मीन्स कि बोथ एलील आर सेम, होमोजाइगस क्योंकि दोनों ही एलील सेम है, और यहाँ हेयर इज ऑल्सो होमोजाइगस और ट्रू ब्रीडिंग लाइन बिकॉज बोथ एलील आर सेम. और गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ कैसे होगा कि गैमेट में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे, दैट मीन्स ओनली वन एलील आएगा. तो यहाँ पे गैमेट आइदर ये मेल है और फीमेल कोई भी हो सकता है, तो एक को मेल ले ले रहे हैं एक को फीमेल. तो गैमेट फॉर्मेशन में क्या होगा, हेयर इज मेल गैमेट कैपिटल टी एंड एग का फॉर्मेशन होगा, गैमेट एग इस विथ स्मॉल टी बिकॉज बोथ एलील आर सेम. तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी, सिर्फ सिंगल पॉसिबिलिटी है कि स्मॉल टी ही आएंगे गैमेट की फॉर्मेशन में. हेयर इज कैपिटल टी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा. व्हेन दीज स्पर्म फ्यूजेस विद द एग टी एग, तो क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, F1 जनरेशन में हमें जब डिप्लॉयड कंडीशन में जाइगोट आया और जाइगोट से सीड का फॉर्मेशन हुआ, देन सीड क्या है, सीड के पास कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एलील है, बट व्हेन द सीड जब ग्रो जर्मिनेट होने दिया, इस सीड को जर्मिनेट होने दिया, जब इससे प्लांट का डेवलपमेंट और प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, तो ऑल प्लांट्स आर टॉल इन कंडीशन और टॉल कैरेक्टर, हैव टॉल कैरेक्टरिस्टिक. जितने भी प्लांट थे सब टॉल थे, दैट मीन्स कि सिर्फ एक कैरेक्टर हमें शो हो रहा है, हमारे पास देर इज अ फ्यूजन ऑफ टू टाइप ऑफ एलील, बट द कैरेक्टर विच आर शोन बाय द दीज एलील आर ओनली टॉल कैरेक्टर. सो दैट वी कैन, और मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाला कि ऑलवेज टॉल कैरेक्टर ही दिख रहा है, तो इसका मतलब टॉल डोमिनेंट कर जा रहा है ओवर द स्मॉल कैरेक्टर, बिकॉज देर इज प्रेजेंस ऑफ बोथ टाइप ऑफ एलील. फॉर टॉल एलील देर इज टी एंड फॉर
देयर इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बोथ, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों कैरेक्टरिस्टिक दिखना चाहिए था, दैट मीन्स कि या तो इंटरमीडिएट में भी इंटरमीडिएट इफ टॉल, तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक कैसे दिखेंगे जब इंटरमीडिएट प्लांट का हाइट के प्लांट का फॉर्मेशन होगा, बट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओनली टॉल प्लांट्स, तो टॉल प्लांट्स ही फॉर्म करते हैं और ग्रो करते हैं सिर्फ, और जितने भी सीड्स हैं ये टॉल प्लांट के ही थे, सो दैट ही कंक्लूडेड दैट द ऑल जो टॉल होगा जो F1 जनरेशन में, या हियर इज F1 जनरेशन और फ्लियर वन जनरेशन जनरेशन, क्योंकि सारे करेक्टर हमें टॉल के मिल रहे हैं, तो उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि ये जो टॉल है, टॉल के जीन है, एलील है, ये डोमिनेंट कर जा रहे हैं, और हियर कैपिटल टी इज डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस में इस जो स्मॉल टी है या रिसेसिव, सेकंड वन इज रिसेसिव एलील, सेकंड वन इज रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील, सो दैट द डोमिनेंट एलील डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव एलील, सो दैट ओनली टॉल कैरेक्टर विल ऑब्जर्व, क्या होगा कि टॉल कैरेक्टर ही हमें F1 जनरेशन में दिखेंगे, और मेंडल ने भी यही बताया कि टॉल कैरेक्टर ही उन्हें दिखे, वैन ही क्रॉस सेल्फ क्रॉस होने दिया जब इन्होंने सेल्फ क्रॉस होने दिया, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो गई सेल्फ क्रॉस आफ्टर द सेल्फ क्रॉस प्रोसेस, यहाँ पे क्या हुआ कि F1 जनरेशन में, अब यहाँ पे सेकंड सेकंड F2 जनरेशन बाद में देखेंगे, तो उन्होंने क्या देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कंक्लूजन निकाला कि हमें वो कैरेक्टर ही दिखेंगे ऑब्जर्व होंगे जो डोमिनेंट हैं, और जो नहीं दिख रहे हैं उन्हें उसे रिसेसिव कैरेक्टर दिया, सो दैट उन्होंने क्या बताया कि जो डोमिनेंट एलील है वो डोमिनेट कर जा रहे हैं ओवर द रिसेसिव एलील, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमें डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल कैरेक्टर ही दिखाई दे रहे हैं, एक कैरेक्टर ही ऑब्जर्व हो रहा है, बट इन केस ऑफ बट देर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ ऑल्सो केस स्मॉल टी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द जायगोट और सीड, सो यहाँ पे क्या हो रहा है स्मॉल टी कैरेक्टर नहीं शो हो पा रहे, दैट मीन्स दे बिकम सप्रेस्ड इन द सीड, द एलील ऑफ सीड और एलील दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फ कैरेक्टर आर सप्रेस बाय द डोमिनेंट एलील, तो डोमिनेंट एलील से जब सप्रेस्ड हो जा रहे हैं तो इस वजह से हमें शो नहीं हो रहे हैं, तो इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा, दैट इज कि इन F1 जनरेशन देयर इज only dominant characters on सिर्फ dominant character ही present होंगे, डोमिनेंट ही करेक्टर जब मेंडल ने क्रॉस किया था तो डोमिनेंट करेक्टर ही प्रेजेंट थे, तब इसी पे बेस पे उन्होंने क्या बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस दे दिया कि सिर्फ हमें F1 जनरेशन में फ्लियर वन जनरेशन में ओनली डोमिनेंट करेक्टर ही शो होंगे, वेर एज सेकेंड और अब सेकेंड जनरेशन के लिए उन्होंने क्या दिया नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इन्होंने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था वहाँ पे टॉल प्लांट ही क्रॉस टॉल प्लांट विद ड्वार्फ प्लांट, व्हेन ही ऑब्जर्व देन ही ऑब्जर्व दैट इन F1 जनरेशन देर इज अ अपीयरेंस ऑफ ओनली डॉल टॉल कैरेक्टर्स, देर इज अ अपीयरेंस ऑफ ओनली टॉल कैरेक्टर्स एंड डोमिनेंट कैरेक्टर्स, तो क्या हो रहा है यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने क्या किया कि दोनों सेग्रीगेट दैट मीन्स कि अलग अलग होना, दो जो पेयर ऑफ एलील है ये दोनों ही एलील सेग्रीगेट हो जाएंगे, सो दैट इस मैनर में सेग्रीगेट होंगे कि दे कैन अपीयर और दे कैन शो देयर कैरेक्टर इन रिस्पेक्टिव एलील, सो यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या हो रहा है देर इज दीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस और ट्रू ब्रीडिंग लाइन, यहाँ पे जब ट्रू ब्रीडिंग के लाइन के प्लांट्स लिए पी प्लांट्स लिए मेंडल्स ने, और दीज आर ऑल्सो होमोजाइगस कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन दैट मीन्स कि बोथ एलील आर इन सेम
सेम मैनर में होंगे और यहाँ पे सेम गैमेट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कैपिटल टी इफ हियर इज मेल एंड फीमेल, कैपिटल टी एंड एग विथ स्मॉल टी व्हेन फ्यूजन ऑफ आफ्टर द फ्यूजन कैपिटल टी स्मॉल टी जाइगोट फॉर्म एंड फ्रॉम द जाइगोट सीड का फॉर्मेशन होगा और सीड ग्रो करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और प्लांट स्टॉल हमें मिलेंगे व्हेन ही, अब इन्होंने जब व्हेन ही क्रॉस, और एक्चुअली में इन्होंने अब क्रॉस नहीं कराया, अब इन्होंने सेल्फिंग होने दिया और सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया यहाँ पे, तो उन्होंने क्या देखा, ही ऑब्जर्व दैट देर इज अ री अपियरेंस ऑफ द करेक्टर विच वॉज सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन, वहाँ पे री अपियरेंस होने लगा दैट करेक्टर, दोज आर सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन और दीज आर सब, यहाँ पे जो करेक्टर सप्रेस्ड हो गए थे F1 जनरेशन में वापस से शो होने लगे। नाउ इन F2 जनरेशन में देखते हैं ये F1 जनरेशन के रिजल्ट थे, F2 जनरेशन में क्या होगा, सेल्फिंग होने दिया, हियर इज अ सेल्फिंग के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ना दीज आर हेटरोजाइगस इन कंडीशन, दैट मीन्स कि बोथ द एलील आर डिफरेंट, हेटरोजाइगस बोथ एलील आर डिफरेंट, दैट मीन दिस प्लांट प्रोड्यूसेस टू काइंड ऑफ एलील, बिकॉज क्योंकि ये पॉसिबल कैसे हो पाया, क्योंकि बोथ एलील आर डिफरेंट इन कंडीशन, सो दैट दीज प्लांट, यहाँ पे क्या होगा कैपिटल टी का फॉर्म गैमेट का फॉर्मेशन, सिमिलरली अगर इफ दिस इज मेल और मेल इज फीमेल, तो स्मॉल टी बिकॉज बोथ यहाँ पे दोनों ही एलील प्रेजेंट है, दीज आर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन F1 जनरेशन के प्लांट में, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फ्लावर का प्रोडक्शन होगा, फ्लावर में एंड्रोशियम होंगे, देन गायनोशियम होंगे, एंड्रोशियम के मेल पार्ट में, मेल पार्ट जो एंड्रोशियम है दे प्रोड्यूसेस द पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स में देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू काइंड ऑफ गैमेट, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, विथ स्मॉल टी सिमिलरली हियर फीमेल ऑल्सो प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ एग, पॉसिबिलिटी इज टू टाइप ऑफ एग, कैपिटल टी और स्मॉल टी सिमिलरली। अब पुनेट स्क्वायर के थ्रू देखते हैं कि जब इनका हेयर इज मेल एंड सेकेंड साइड इज फीमेल, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, फ्यूजन के बाद क्या होगा, व्हेन एग फ्यूजेस विद द या स्पर्म फ्यूजेस विद द एग, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, हियर इज स्मॉल टी, सो दैट द व्हाट इज द रेशियो ऑफ जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो दैट मीन्स जीन के जो रेशियो हैं कितने सिमिलर हैं वन टाइप के हैं, देन हियर इज जीनोटिपिक रेशियो, रेशियो इज 1:2:1, दैट मीन्स कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटरोजाइगस कंडीशन 1 एंड 1 इज अगेन स्मॉल टी इन होमोजाइगस कंडीशन, दीज टू आर इन होमोजाइगस कंडीशन, वन इज डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन एंड सेकेंड वन इज रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन, एंड द टू दोज विच आर टू इन नंबर दीज आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंस इन डोमिनेंट इन कंडीशन, एंड वॉट इज फिनोटिपिक रेशियो, दैट मीन्स कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1, दैट मीन्स 3 आर टॉल एंड ओनली वन इज ड्वार्फ, ओनली वन इज ड्वार्फ, एक्चुअली ऑन दैट टाइम नॉट एनी डिस्कवरी रिलेटेड टू द जीन और रिलेटेड टू द एलील, सो ही उन्होंने क्या बोला, इन दो सिंबल्स को उन्होंने बोला फैक्टर्स, और फैक्टर क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं, हेयर यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर की ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, उन्होंने ये बताया कि देर इज नो एनी कैरेक्टर ब्लेंड विथ ईच अदर, इस
सिर्फ प्रेजेंट है, ब्लेंड नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे बिकम सेग्रीगेटेड, बिकॉज ड्यूरिंग जर्म सेल्स में जर्म सेल्स ही गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। तो यहाँ पे दोनों एलील तो नहीं आ पाएंगे बिकॉज हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, जब एक बार गैस सेग्रीगेशन होगा तो इस गैमेट का फॉर्मेशन, सेकेंड बार सेग्रीगेशन होगा, मे बी पॉसिबल है ये गैमेट का फॉर्मेशन होगा। सो दैट द देर इज अ चांसेस ऑफ रीअपियरेंस ऑफ दिस कैरेक्टर विच वॉज सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। तो यहाँ पे यही सेग्रीगेशन क्या हो रहा है कि दोनों ही एलील जब इन्हें चांस मिलेगा सेग्रीगेट होने का, तो दे बिकम सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे, और सेग्रीगेट होके देन ये दीज सेग्रीगेटेड एलील आर रिसीव बाय द स्पर्म और गैमेट, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, और रिसीव कर लिए जाएंगे, और फाइनली दीज आर सेपरेटली प्रेजेंट इन द, और यहाँ पे गैमेट में प्रेजेंट हैं सेपरेटली। नाउ व्हेन दीज बोथ गैमेट आर फ्यूजेस विद ईच अदर, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिसेसिव, ऑल्सो रिसेसिव करेक्टर, प्योर ब्रीडिंग टाइप ऑफ करेक्टर, दोज आर सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन, जो सप्रेस्ड हो गए हैं, सप्रेस्ड हो गए थे F1 जनरेशन में। तो यहाँ पे क्या है, वो कैरेक्टर शो होने लगेंगे यहाँ पे इन F2 जनरेशन। तो ये क्या है कि हमारा रिजल्ट कौन सा है, F2 जनरेशन रिजल्ट इज F2 जनरेशन। तो इसे ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा गया, दैट मीन्स कि बोथ एलील आर सेग्रीगेटेड विथ ईच अदर, और सेग्रीगेट हो रहे हैं, देन दे बिकम फ्यूज विथ ईच अदर एंड फॉर्म द ऑल टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ। देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटी, इफ द प्लांट किस में दिख रहे हैं, टॉल में, और या रिसेसिव करेक्टर में शो हो रहा है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हमें शो होने लग जाएगी इस करेक्टर में, और F2 जनरेशन में दोनों ही करेक्टर हमें शो होने लग जाएंगे इन द रेशियो ऑफ जेनोटिपिक रेशियो 1:2:1 एंड 3:1। बट देर इज अ वहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉसिबिलिटी वहाँ पे जब मेंडल ने क्रॉस किया, बिकॉज उस टाइम पे एलील की एलील वॉज नॉट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, तो क्या एलील एंड जीन्स ऑल्सो एंड क्रोमोजोम ऑल्सो, सो दैट उन्होंने चेक करने के लिए ये क्या किया कि इसके एलील कैसे, ये सिंबल जो उन्होंने लिए हैं ये सही लिए हैं या नहीं, जो हमें टॉल, क्योंकि उन्होंने जो ये देख जब भी जो एक्सपेरिमेंट था वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था, जो दिखाई दे रहा है वही करेक्टर होगा इस पर बेस्ड था। तो उन्होंने चेक करने के लिए क्या किया कि एक टेस्ट क्रॉस रखा, जहाँ पे अगर इफ देर इज अ प्रेजेंस ऑफ बोर डोमिनेंट एलील, तो यहाँ पे भी क्या होगा, द करेक्टर कैसा टॉल दिखेगा। इफ इन देर इज ए हेट्रोजाइगस एलील, तब यहाँ पे क्या दिखेगा, तब भी यहाँ पे टॉल कैरेक्टर ही दिखाई देंगे। दैट मीन्स कि टॉल कैरेक्टर के दो पॉसिबिलिटी हैं, देर इज ए प्रेजेंस ऑफ कैपिटल टी ऑल्सो एंड कैपिटल टी स्मॉल टी ऑल्सो। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है कंडीशन, दैट मीन्स कि हमें 3:1 तो मिल रहे हैं, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ मिल रहा है। तो ये इस टॉल के क्या कैरेक्टरिस्टिक, दैट मीन्स कि इनके एलील क्या है, कि जीनोटाइप क्या है, और ये होमोजाइगस है और हेट्रोजाइगस है, ये ऑब्जर्व करने के लिए कि उन्होंने क्या किया कि ये जो हमें टॉल मिल रहे हैं ये होमोजाइगस कंडीशन में है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, इसको चेक करने के लिए उन्होंने सेकेंड क्रॉस दिया, दैट इज अ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हम कब करेंगे, जब हमें, नाउ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज अ टेस्ट जहाँ पे हमें वेदर वो जीन हेट्रोजाइगस है और होमोजाइगस है, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन है और होमोजाइगस कंडीशन है, ये टेस्ट करने के लिए किया जाता है, बिकॉज द कैरेक्टर इज डोमिनेंट विल शो, दोनों पे ही शो होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में भी डोमिनेंट कैरेक्टर शो होंगे और हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही शो होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी एंड कैपिटल टी बोथ शोज सेम कैरेक्टर, दैट इज टॉल। अब हमें ये टॉल प्लांट है बिकॉज ऑल देयर एक्सपेरिमेंट्स आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट, बिकॉज ऑन दैट टाइम देर इज वहाँ पे नहीं डिस्कवरी हुई थी किसी भी
क्रोमोसोम की एलील एंड जीन्स की ना, यहाँ पे क्या होगा कि एलील को कैसे किया जा रहा है, चेक किया जाएगा कि वेदर ये टॉल प्लांट के पास कौन से एलील हैं। तो फॉर एग्जांपल हियर इज अगर कैपिटल टी लेंगे और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही एलील हम चेक करके तो रिजल्ट के बेस पे हमें ऑब्जर्व हो जाएगा ना। एक बार यहाँ पे और इस टेस्ट क्रॉस में क्या करा जाएगा कि जो प्लांट है अननोन बट डोमिनेंट, एलील्स आर अननोन बट हमें फिनोटाइप क्या दिख रहे हैं, डोमिनेंट दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी कलर्ड फ्लावर हैं हमें कैसे कलर, इन्होंने क्या किया टेस्ट क्रॉस करने के लिए पर्पल कलर और व्हाइट कलर में क्रॉस कराए। सिमिलरली वहाँ पे भी एक ट्रेट है तो जनरली हमें क्या दिखेंगे F1 जनरेशन में डोमिनेंट, दैट मीन्स कि वायलेट और कलर्ड फ्लावर हमें दिखेंगे, पी प्लांट में वायलेट फ्लावर हमें दिखेंगे और F2 जनरेशन में हमें दोनों टाइप के फ्लावर दिखेंगे, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वहाँ पे फॉलो होगा और हमें रिसेसिव भी वाइट फ्लावर भी दिखने लग जाएंगे। तो टेस्ट क्रॉस में उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया कलर्ड ऑफ फ्लावर चेक करने के लिए, दैट मीन्स कि फ्लावर कलर अगर शो हो रहा है तो ना फ्लावर कलर, फ्लावर कलर शो हो रहा है, ये फ्लावर कलर कौन से हैं, वायलेट और वाइट, वायलेट इज डोमिनेंट एंड वाइट इज रिसेसिव, रिसेसिव कलर, वाइट इज रिसेसिव कलर। इफ अ प्लांट इज डोमिनेंट ट्रेड दैट मीन्स कि वायलेट हमें शो हो रहा है लेकिन हमें प्लांट की जीनोटाइप अननोन है, दैट इज वेदर ये दीज आर वाइट और वायलेट ये कौन से हैं, तो हमें मतलब कि दीज आर डोमिनेंट वायलेट, होमोजाइगस वायलेट और हेट्रोजाइगस वायलेट हमें ये डिस्कवर करना है। सो दैट हम दोनों के लिए सिंबल ले लेते हैं वाइट के लिए कैपिटल W, सिंबल क्या होगा फॉर वाइट जो रिसेसिव है स्मॉल W, एंड वायलेट के लिए W और कैपिटल W। सो ये दीज आर द सिंबल, कैपिटल अगर W है दैट मींस कि वायलेट कलर, बोथ एलील आर, अब यहाँ पे होमोजाइगस है और हेट्रोजाइगस हमें ये डिस्कवर करना है। सो दैट इफ डोमिनेंट वायलेट है देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टू टाइप ऑफ गैमेट, दैट इज हियर इज इस केस में भी क्या होगा, दीज आर हेट्रोजाइगस, हेट्रो जाइगस एंड कैपिटल W होमोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन, बट इन बोथ द केसेस वायलेट शुड फ्लावर शुड बी वाइट, वायलेट इन कलर, वायलेट कलर में होंगे तो दोनों ही केस में वायलेट कलर में होंगे। अब दोनों को क्रॉस करा के देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या होगा। इन ड्यूरिंग हेट्रोजाइगस कंडीशन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमेट, वन इज कैपिटल W एंड वन विथ स्मॉल W, एंड इफ वाइट कलर देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट फॉर्मेशन विच इज कैपिटल W। नाउ व्हेन यहाँ पे फ्यूजन होगा तब क्या होगा, हम फ्यूजन में इन टेस्ट क्रॉस वी ऑलवेज क्रॉस द दिस प्लांट विच इज अननोन विच इज विद द रिसेसिव प्लांट, बिकॉज क्योंकि हमें डोमिनेंट के दो केसेस मिलते हैं हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन में, लेकिन देर इज जो रिसेसिव केस हैं वो सिर्फ ओनली वन केस इज प्रेजेंट इन द रिसेसिव प्लांट। सो दैट वो वन केस क्या है, ये रिसेसिव प्लांट कब होगा, मतलब रिसेसिव ट्रेट कब होगा, जब दोनों ही एली दैट मीन्स देर इज यहाँ पे देर इज एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील इन द रिसेसिव प्लांट, मतलब डोमिनेंट एलील अगर एबसेंट हो और दोनों ही एलील स्मॉल हो रिसेसिव हो तब उस केस में हमें रिसेसिव कैरेक्टर शो होंगे। तो अगर हम ऐसे वाइट फ्लावर्स लें
अगर वायलेट फ्लावर जिसके हमें जीनोटाइप नहीं पता है उसे रिसेसिव प्लांट से क्रॉस कराते हैं, क्योंकि रिसेसिव का हमें जीनोटाइप पता है, बिकॉज रिसेसिव ट्रेट हमें तभी दिखेगा जब दोनों ही एलील स्मॉल होंगे. तो रिसेसिव वाइट से वायलेट फ्लावर को रिसेसिव वाइट से अगर हम क्रॉस कराते हैं स्मॉल डब्लू और स्मॉल डब्लू, सो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू एंड स्मॉल डब्लू, हियर इज स्मॉल डब्लू नाउ स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू एंड अगेन स्मॉल डब्लू एंड स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू. सो हमें क्या मिला रिजल्ट में? 2:1 का रेशियो हमें मिला, 1:1 का. दैट मीन्स कि 2 हमें वायलेट एंड 2 वाइट. दैट मीन्स हम रिजल्ट के बेस पे हमें पता कर सकते हैं. नाउ सेकेंड, अगर होमोजाइगस अगर होगा तो ये हमने हेट्रोजाइगस का निकाला, अब होमोजाइगस के निकालते हैं. होमोजाइगस होगा दैट मीन्स कि अगेन पुनेट स्क्वायर होमोजाइगस, अगेन हम रिसेसिव प्लांट से ही क्रॉस कराएंगे. एंड होमोजाइगस डोमिनेंट क्या है? कैपिटल डब्ल्यू अगेन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इज कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू एंड कैपिटल डब्ल्यू. मतलब ऑल प्लांट्स हमें, जितने भी प्लांट्स हमें मिलेंगे इस क्रॉस के बाद, ऑल आर वायलेट इन कलर. यहाँ पे हमें रिजल्ट में क्या मिला? सभी के सभी वायलेट कलर. तो क्या मिलेगा अगर हम ऐसे प्लांट जिसका डोमिनेंट ट्रेट शो हो रहा है बट जीनोटाइप हमें नहीं पता है, अननोन जीनोटाइप है, तो उसका जीनोटाइप हम कैसे निकाल सकते हैं? इफ अननोन जीनोटाइप इज क्रॉस विथ रिसेसिव प्लांट बिकॉज वी हैव नो द जीनोटाइप ऑफ रिसेसिव प्लांट, इफ देर इज द एब्सेंट ऑफ डोमिनेंट एलील सो दैट द रिसेसिव प्लांट शो देयर कैरेक्टर्स. सो यहाँ पे क्या होगा? दोनों ही एलील स्मॉल होंगे, स्मॉल डब्ल्यू. सिमिलरली इफ प्लांट इज स्मॉल डब्ल्यू से क्रॉस कराते हैं डोमिनेंट ट्रेट को, अगर डोमिनेंट ट्रेट में हमें दोनों ट्रेट मिलते हैं इस क्रॉस के बाद, अगर हमें दोनों ट्रेट मिल रहे हैं 1:1 के रेशियो में, दैट मीन्स कि 2 हमें वायलेट वायलेट प्लांट भी मिल रहे हैं, वाइट प्लांट भी मिले हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों मिलते हैं. दैट मीन्स कि जो प्लांट होगा, जो अननोन इसका जीनोटाइप है, वो क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो क्या है? एक कैपिटल डब्ल्यू वन स्मॉल डब्ल्यू. इफ अगर हमें रिजल्ट के बाद रिजल्ट में हमें क्या मिलता है अगर हम इस प्लांट को क्रॉस कराते हैं विद द रिसेसिव प्लांट, तो जितने भी प्लांट हमें मिलेंगे वो सभी वायलेट इन कलर में है, मतलब कि हमें डोमिनेंट ट्रेट शो करेंगे. जब डोमिनेंट शो करें ट्रेट शो करेंगे तो ये कौन सा होगा? होमोजाइगस कंडीशन. डोमिनेंट कंडीशन में होमोजाइगस कंडीशन. अगर इफ हमें वाइट फ्लावर भी मिलेंगे, दैट मीन्स कि जो हमारा अननोन जीनोटाइप था वो कैसा था? हेट्रोजाइगस. इफ देर इज प्रेजेंस ऑफ ओनली वायलेट कलर और सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट दिख रहे हैं आफ्टर क्रॉसिंग विद द रिसेसिव प्लांट, तो क्या होगा? हमारा जो ट्रेट होगा वो ऑलवेज हमारा होमोजाइगस कंडीशन में है, दैट मीन्स दोनों ही कैपिटल डब्ल्यू में है. सो दैट द रिजल्ट इज ऑलवेज विद द डोमिनेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, डोमिनेंट फिनोटाइप हमें शो होंगे. तो इसी को टेस्ट क्रॉस कहा, मतलब टेस्ट किया जा रहा है विद द क्रॉस करके कि वेदर अननोन जीनोटाइप हमारा क्या है, डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस कंडीशन में है, होमोजाइगस कंडीशन में है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में है. तो ये टेस्ट करने के लिए अगर इस प्लांट को हम क्रॉस करेंगे विद द रिसेसिव प्लांट, रिसेसिव प्लांट से जब क्रॉस करने पे जो रिजल्ट है वो शो होंगे इन द कैसे शो होंगे? अगर दोनों हमें ट्रेड दिखाई दे रहे, दैट मीन्स वायलेट एंड वाइट कलर बोथ ट्रेड आर शोन बाय द प्लांट्स, सो दैट द प्लांट विच जो जो हमें चेक करना है प्लांट वो किस जीनोटाइप के हैं, दीज आर हेट्रोजाइगस. इफ देर इज द ओनली अपीयरेंस ऑफ ओनली वायलेट फ्लावर शोन बाय द प्लांट सो दैट द जो जीनोटाइप विच वी हैव चेक इन द क्रॉस, सो ये जो हम चेक कर रहे हैं वो कौन सा जीनोटाइप है, वो है डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में. तो ये है क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ये सभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हैं, दोनों ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेस पर लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? व्हेन मेंडल क्रॉस डोमिनेंट विद रिसेसिव प्लांट, डोमिनेंट ट्रेट विद रिसेसिव प्लांट, ही ऑब्जर्व इन F1 जनरेशन दैट ऑल प्लांट्स वॉज टॉल इन
कैरेक्टर जितने भी प्लांट्स थे टॉल कैरेक्टर में थे, वैन इसी को इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा, क्योंकि एक कैरेक्टर दो कैरेक्टर उन्होंने लिए थे, विचार कॉन्ट्रास्टिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, लेकिन एक था हाइट, उन्होंने प्लांट हाइट लिया था और उन्हें डोमिनेंट ही कैरेक्टर शो हुआ इन F1 जनरेशन दैट इज टॉल. वैन ही जब उन्होंने सेल्फ क्रॉस होने दिया तब क्या देखा इन्होंने, पेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द प्लांट्स और सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, और ही ऑब्जर्व दैट द इन F2 जनरेशन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बोथ टाइप ऑफ कैरेक्टर दैट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, बोथ कैरेक्टर वाज ऑब्जर्व इन द F2 जनरेशन, और इसी को इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा, दैट मीन्स कि बोथ एलील बिकम सेग्रीगेटेड विथ ईच अदर एंड रिसीव बाय द गैमेट, सो व्हेन दीज गैमेट फ्यूजेस विद अनदर गैमेट दे शो देयर ओन कैरेक्टर इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील. तो डोमिनेंट एलील अगर एबसेंट है तो उस केस में रिसेसिव कैरेक्टर भी शो होंगे, दिस इज नोन बाय द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. नाउ टेस्ट क्रॉस, अब उन्होंने वो है वेदर जो जीनोटाइप उन्हें दिख रहे हैं या फिनोटाइप जो दिख रहे हैं उनके जीनोटाइप क्या है, ये ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस किया. डोमिनेंट के दो पॉसिबिलिटी हैं लेकिन रिसेसिव का ऑलवेज वन होगा, क्योंकि अगर अगर दोनों ही एलील स्मॉल होंगे, स्मॉल कैरेक्टर या रिसेसिव कैरेक्टर के होंगे तभी रिसेसिव कैरेक्टर शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो अगर उन्होंने डोमिनेंट का होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है इसे क्रॉस कराया विद द रिसेसिव कैरेक्टर, अगर रिसेसिव के रिजल्ट के बाद अगर इफ देर इज अ प्रेजेंस ऑफ बोथ टाइप ऑफ कैरेक्टर दैट इज वायलेट और वाइट, दोनों कैरेक्टर अगर दिखाई देंगे दैट मीन्स द प्लांट विच हैव टू चेक आर क्या है वो हेट्रोजाइगस. इफ जो रिजल्ट है ऑल प्लांट्स आर वायलेट इन कलर सो दैट द जो हमने लिया है चेक करने के लिए दिस प्लांट इन होमोजाइगस डोमिनेंट एलील होंगे वहाँ पे. सो इस तरीके से टेस्ट क्रॉस के थ्रू चेक किया जाता है कि वेदर वो डोमिनेंट होमोजाइगस होमोजाइगस है और हेट्रोजाइगस है. नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे.